यहाँ हमारे भैया आए हुए हैं। अभी जस्ट 4 तारीख की दिल्ली आउटलेट की ओपनिंग हुई है रोहिणी में, आपको बताई है, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास। भैया कह रहे थे, भैया मैं आने वाला था वहाँ पर किसी कारण से भैया नहीं आ पाए, तो इसलिए आज स्पेशल आए हैं पलवल आउटलेट। और कहाँ से आए हैं जरा सुनो, कान से, कहाँ से आए भैया? अमृतसर। अमृतसर पंजाब से आए हैं। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 600 किलोमीटर होगा। 600 किलोमीटर दूर से भैया आए हैं। दोस्तों मतलब आप समझ रहे हैं, भैया मैंने कोई पैसे देके बुलाया क्या आपको? नहीं नहीं पैसे जी। और कब से फॉलो कर रहे हैं आप सप्लीमेंट्स? काफी टाइम हो गया, 3-4 साल से ज्यादा हो गया। 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं, आज मौका मिला है भैया को आने का और मेरी किस्मत खींच के लाई है इनको। ये मेरी किस्मत है कि भैया से मिला हूँ मैं। भैया क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। और मंजीत भाई कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। तो दोस्तों ये मेरी खुशनसीबी है कि इतनी दूर दूर से आप सब लोग आ जाते हैं, इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स तो देखो मिलेंगे सप्लीमेंट्स यहाँ पर ये जो प्यार आप मुझे दे रहे हो इसके लिए मैं आपसे दिल से सैल्यूट करता हूँ। भैया का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और जानते हैं जरा भैया इतनी दूर आए हैं, क्यों आए हैं भैया आप इतनी दूर? बस आपसे मिलने के लिए, प्यार खींच के लाया है बस आपका। प्यार खींच के लाया है, मिलने के लिए आए हैं। और भैया ने वजन थोड़ा बढ़ा लिया है। हाँ जी जी, वजन इन्होंने बढ़ा लिया है। और वजन बढ़ाने का रीज़न भी भैया बता रहे थे कि कोई मेडिकल कंडीशन हो गई थी। हाँ जी। और उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने बोला डाइट लेने के लिए। डाइट लेने के लिए हाँ, फिर वेट बढ़ गया था ना फिर। भैया ने फिर थोड़ी हैवी डाइट ले ली है, उसकी वजह से भाई इनका वेट बढ़ चुका है और अब करना चाहते हैं वजन कम। अभी कितना वेट चल रहा है आपका? मेरा होगा 75 होगा। और कितना करना चाहते हैं आप कम? 65 10 किलो वजन कम करना है। और भैया बता रहे हैं कि थोड़ा डाइजेशन का भी इशू रहता है। हाँ जी जी, डाइजेशन का इशू रहता है। भैया कहते हैं दूध वगैरह कुछ भी लेता हूँ तो मेरे को लूज मोशन आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 सप्लीमेंट भैया ने लिए हैं, एक तो अपना वजन कम करने के लिए और एक डाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए। वो हैं स्टार एक्स न्यूट्रिशन बर्न प्रो हैवी फैट बर्नर, जो कि 8 से 10 किलो वजन कम करेगा, ना सिर्फ लड़कियों का लड़कों का भी। और लिया है गट पावर, जो कि डाइजेशन स्ट्रांग करेगा। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई हैं जो गट पावर को लेते हैं भूख बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, ये भूख बढ़ाता है, पर ये डायरेक्ट इसका कोई रोल नहीं है भूख बढ़ाने में। ये बेसिकली आपकी लीवर पावर बढ़ाता है। इसमें मिल्क थेसल जैसी एक नेचुरल जो हर्ब्स हैं वो हैं इसके अंदर, जो कि आपका ओवरऑल डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे भूख बढ़ती है और भूख बढ़ने से खुराक बढ़ जाती है, तो दुबले पतलों का वजन बढ़ जाता है। पर जो ऑलरेडी मतलब जो है मोटे तगड़े हैं जैसे भैया हैं हमारे, वो अपना जो है डाइजेशन नॉर्मली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, खाया पिया मतलब जो उनको इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो भी गट पावर ले सकते हैं। आपके घर में किसी को भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो गट पावर ले सकता है, तो निश्चिंत होकर आप मंगाइए गट पावर, कोई भी ले सकता है इसको। और यहाँ पर जो है बर्न प्रो, दोस्तों बर्न प्रो लेना कैसे है? अगर आप पहली बार फैट बर्नर ले रहे हैं तो बर्न प्रो आपको स्टार्टिंग में एक कैप्सूल लेना है एक्सरसाइज करने से पहले, और 10 दिन बाद 11वें दिन से फिर आपको इसके 2 कैप्सूल लेने हैं। इस तरीके से आप बर्न प्रो को यूज़ करें, 8 से 10 किलो वजन कम कर देगा ये 1 से 1.5 महीने में नुकसान के बिना, और वो वजन दोबारा बढ़ेगा भी नहीं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और डाइट अपना कंट्रोल रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चीट मील नहीं ले सकते आप, भाई किसी दिन मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, कोई भटूरे खाने का तो खा सकते हैं, पर वो किसी किसी दिन, महीना में एक आधा दिन, पता लगे आप डेली उधेड़ रहे हैं भटूरों को तो भाई भटूरे बन जाओगे फिर आप, तो इसलिए जो है कभी कभी आप ले सकते हैं पर डेली नहीं लेना। और एक्सरसाइज रेगुलर रखो, जो वजन घटेगा वो दोबारा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है, और गट पावर को लंच करने के बाद 1 टैबलेट लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2100 रुपये का है बर्न प्रो फैट बर्नर, और इसे लड़कियाँ भी ले सकती हैं। आपके घर में कोई भी है जिसका वजन ज़्यादा है तो वो बर्न प्रो ले सकता है 2100 रुपये में। और यहाँ पर 1550 का एक गट पावर है, अगर डाइजेशन का इशू है तो आप गट पावर ले सकते हैं। भैया इतनी दूर से आए हैं, भैया को मिले हैं ये ओरिजिनल GST बिल के साथ। यहाँ पर ये GST बिल और ये टी शर्ट सप्लीमेंट्स वाला की तरफ से भाई को गिफ्ट है। अब यहाँ देखें तो नो डाउट भैया ने यहाँ पर जो है यार 500-700 का टैक्स भी पे किया है। देखो 18% टैक्स है, इतनी दूर से भी आए हैं भाई। मुझे लगता है मंजीत कि आने जाने में 1000-1500 तो खर्च हो जाएंगे। हाँ इतना हो जाता है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी, इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो 1000-1500 आने जाने में खर्च कर दिया, 500-700 का टैक्स पे कर दिया। पूछना चाहूँगा भैया, आम आदमी है ना आप? आम आदमी जी, मेहनत करके कमाते हैं ना? हाँ जी मेहनत करके कमाते जी, पर क्या जहाँ पर सेहत का सवाल है वहाँ पैसा देखना चाहिए? नहीं, पैसा तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए जी, पैसा नहीं देखना चाहिए। जो आजकल के नए नए बच्चे हैं 21-21, 22-22 साल के, मंजीत भाई आप भी देख रहे होंगे आपके पंजाब में भी ट्रेंड होगा, जिम में जाने वाले 50% से ज़्यादा बच्चे इंजेक्शन गोलियाँ पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, उन बच्चों को क्या सलाह है? बच जाए उससे, गलत चीज़ है, नुकसान करेगी बाद में जी।
तो दोस्तों बचें उससे, स्टीरॉयड एक्स वाई जेड नहीं लेने, और लेने दूंगा भी नहीं मैं आपको यार। बॉडी कोई बात नहीं, बन जाएगी, धीरे धीरे बनेगी, पर जो बनेगी नेचुरल सप्लीमेंट से, ओरिजिनल सप्लीमेंट से, वो बॉडी टिकेगी, नुकसान कभी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप भी जुड़े सप्लीमेंट्स विला से, सस्ते सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, ओरिजिनल लेंगे सप्लीमेंट्स विला से। तो यहाँ पर जो है भैया आए इतनी दूर से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है यार। और भैया का वजन जरूर कम होगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भी मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक इनको नहीं तोड़ूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। और तोड़ने छोड़ने का मतलब है भाई का ख्याल रखना है। तो आप भी विजिट करें सप्लीमेंट्स विला, या तो विजिट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आपको कोई भी सप्लीमेंट चाहिए, बर्न प्रो, गट पावर, मास गेनर, प्रोटीन, कुछ भी चाहिए आपको, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है भैया नहीं निकला जाता इतनी दूर, तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर जहां हमारे ऑफलाइन आउटलेट्स हैं वहां पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप पलवल हरियाणा आ सकते हैं, आप मथुरा जा सकते हैं, वहां पर आउटलेट है हमारे, आप जा सकते हैं आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, जयपुर, गुरुग्राम, दिल्ली कालका जी, दिल्ली रोहिणी, यहाँ पर आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं। भैया कह रहे हैं भैया एक अमृतसर में भी होना चाहिए, मैंने भाई जरूर होगा, पर क्योंकि ये आउटलेट जो ओपन हो रहे हैं वो फ्रेंचाइजी बेस नहीं है, सारे आपके अपने आउटलेट्स हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी ही जो नए आउटलेट्स ओपन होने वाले हैं वो पंजाब में नो डाउट होंगे, वो अमृतसर होगा, लुधियाना होगा, वो मैं जल्दी आपको बताऊँगा। और उसके बाद में जो है आपका जो है ग्वालियर में ओपन होने वाला है, आपका नोएडा में ओपन होने वाला है, लखनऊ की भी डिमांड आ रही है, तो सब जगह होंगे, पर धीरे धीरे। तो जुड़े सप्लीमेंट्स विला से, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। अगली बार मिलूंगा नई वीडियो में किसी नई भाई के साथ, और आप भी विजिट करो सप्लीमेंट्स विला, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए। नमस्कार।